नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RPSC विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे फलन और आज अपनी फलन की क्लास नंबर है 2। तो हमने एक एक की फलन तक पढ़ लिया था, अब आज हम पढ़ेंगे बहु एक एक की फलन। बहु एक एक की फलन। अब देखो, बहु एक एक की फलन का क्या परिभाषा वगैरह है वो मैं आपको पहले बता दूँ, पहले डायग्राम से बता दूँ। जैसे कोई फलन है आपके fx बराबर एक्स स्क्वायर, ये है। अब देखो, इसमें a और इस तरफ है b, a में अवयव है 1, -1, 2 और 3 और इस तरफ है 1, 4 और 9। अब देखो fx है वो बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो x की वैल्यू रखो, 1 रखो चाहे -1 रखो तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। 2 रखोगे तो 4, 3 रखोगे तो 9। तो अब आपने इसमें क्या चीज़ नोट की है कि भाई जो 1 और -1 का समान क्या है, एक प्रतिबिंब है, इसलिए ये फलन क्या होगा, बहु एक एक की फलन होगा। ऐसा फलन क्या कहलाता है, बहु एक एक की फलन। मतलब दो या दो से अधिक अवयवों के लिए जो प्रतिबिंब हो वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, और वैसे भी मैंने कल याद रखने का तरीका बताया, जैसे दो व्यक्ति एक घर में घुस सकते हैं लेकिन एक व्यक्ति दो घरों में नहीं घुस सकता, तो मतलब ऐसा संभव नहीं है, ऐसा हमेशा क्या है, संभव है। ऐसा होगा तो फलन है, ऐसा हुआ तो फलन नहीं होगा, ये चीज़ थी। अब देखो इसको शब्दों में कैसे समझेंगे, तो बहु एक एक फलन के लिए कि जैसे माना कि कोई एक फलन है ए से बी, यदि दो या दो से अधिक अवयव का समान प्रतिबिंब होगा तब एफ को हम क्या कहेंगे, बहु एक एक की फलन कहेंगे। जैसे मैंने ये आपको उदाहरण बता दिया, ठीक है। जैसे अपने एक एक के लिए क्या परिभाषा थी, एक एक के लिए परिभाषा थी कि यदि देयर एग्जिस्ट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स वाई के लिए हमारे पास जो परिभाषा थी ना कल वाली, एक एक की फलन के लिए हमने पढ़ी ना कि भाई जब एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई हो, यदि x इज नॉट इक्वल टू y देन fx इज नॉट इक्वल टू fy। लेकिन अपने बहु एक एक के लिए क्या परिभाषा है, ये पढ़ी थी कल, लेकिन बहु एक एक के लिए परिभाषा है कि देयर एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंग्स टू a, यदि x और y a से बिलोंग करते हैं, और किस प्रकार बिलोंग करते हैं, सच देट, इस प्रकार से बिलोंग करते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू y परंतु fx बराबर क्या होता है fy। यह परिभाषा थी, यह परिभाषा किसके लिए है, बहु एक एक के लिए, किसके लिए है, बहु एक एक के लिए, और यह परिभाषा किसके लिए है, एक एक के लिए, समझ गए। अब देखो यहां यह परिभाषा कैसे सत्य हो रही है, परिभाषा को देखो, x इज नॉट इक्वल टू y, देखो ये 1 और -1, ये दोनों एक्स वाई किस में से उठाने, a में से, इसमें से उठाए हमने, तो देखो 1 और -1 बराबर नहीं है, लेकिन fx बराबर fy, तो fx और fy दोनों का कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है रिजल्ट, तो ये समान हो गया ना। तो ये थी बहु एक एक की परिभाषा, तो इसको एक बार आप नोट्स में पढ़ लो, देखो ये लिखा हुआ नोट्स में, बहु एक एक की फलन, एक सेकंड रुकना मैं साइज सेट करूं इसकी, ये लो। अब देखो बहु एक एक की फलन, माना एफ ए टू बी, यदि दो या दो से अधिक अवयव का समान प्रतिबिंब होगा तब f को क्या कहते हैं, बहु एक एक की फलन कहते हैं। जैसे माना a बराबर है -1, 1, 2, 3 तथा b है 1, 4, 9, जो मैंने बनाया ना ऐसा, ये वाला f a tends to b, बहु एक एक की फलन होगा यदि there exist x comma y belongs to a, इस प्रकार है कि f a to b बहु एक एक की फलन होगा यदि there exist x y belongs to a, इस प्रकार है कि x is not equal to y परंतु fx बराबर fy। यहाँ f -1 भी क्या है, 1 है, और f 1 भी कितना है, 1 है। आगे बात समझ में, स्पष्ट थे 1 और -1 का समान प्रतिबिंब है, समान प्रतिबिंब है 1, और 1 किस में बिलोंग कर रहा है, ये प्रतिबिंब वाला b में, इसलिए f क्या है, एक बहु एक एक की फलन है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब जैसे मैंने आपको ग्राफ से बताया था कि एक एक की फलन कैसा होता है, उसी प्रकार से मैं ग्राफ से बताऊं कि बहु एक एक की फलन के लिए ग्राफ कैसा होगा। जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं, तो ये ग्राफ बनेगा ऐसे, ठीक है, ये ग्राफ,
ये बना। अब देखो इसमें, इसको एक रेखा काट रही है ऐसे, ये काट दिया इस रेखा ने, तो ये जो चीज होगी ना, और एक और देखो, ये वाई बराबर एक्स स्क्वायर का है, और एक बनाओ साइन एक्स के लिए, साइन एक्स के लिए ग्राफ बना दिया ऐसा, बना दिया वाई बराबर साइन एक्स। अब देखो इसको वाई की एक निश्चित वैल्यू ऐसे क्या करेगी, कट करेगी, ठीक है। तब हम क्या कह सकते हैं कि यदि कोई फलन जैसे वाई बराबर एफ एक्स का हम कोई ग्राफ लें, ग्राफ दे रखा हो हमें, और यदि कम से कम एक ऐसी क्षैतिज रेखा संभव हो, देखो ये क्या है, क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा किस प्रकार से संभव हो कि दिए वक्र को एक से अधिक बिंदुओं पर काटे, तो वो फलन हमेशा क्या होगा, बहु एकेकी फलन होगा। देखो अब y के एक निश्चित मान के लिए, y का ये कोई निश्चित मान है, y के एक निश्चित मान के लिए, y का तो कोई क्या है, कोई निश्चित मान है, उसके लिए x की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। अब देखो यहाँ जैसे मान लो y बराबर एक था, तो देखो यहाँ पर x बराबर एक दो तीन चार ऐसे, मतलब x के कई वैल्यू के लिए, यहाँ पर देखो ये x की कई वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या है, सेम है। समझ में आ गई बात, तो ये होता है ग्राफ। जैसे यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर तो x की वैल्यू माइनस एक, और यहाँ पर देखो कितनी हो गई, एक, लेकिन यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, y की, ये x की वैल्यू है एक, और y की वैल्यू कितनी है, एक, तो y की एक वैल्यू के लिए x की कितनी वैल्यू है, दो वैल्यू है, तब ये ऐसा फलन क्या कहलाता है, बहु एकेकी फलन। आ गई, मतलब x के कई मानों के लिए y के समान मान है, तो वो फलन क्या होगा, बहु एकेकी होगा। इसका एक उदाहरण दूं, जैसे एफ एक्स बराबर सी, अब x की वैल्यू चाहे कुछ भी ले लो, y की वैल्यू हमेशा ही क्या प्राप्त होगी, c प्राप्त होगी, तो यह भी एक क्या है, बहु एकेकी फलन है। आ गई बात समझ में, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है आच्छादक फलन। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आच्छादक फलन। देखो ये सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है मुझे मालूम है, और आपको अच्छे से आता भी होगा, लेकिन हमें जस्ट एज रिवाइज लेना है, जहां पर समझ में नहीं आए वहां पर आराम से देख लो, बाकी आप वीडियो की स्पीड बढ़ा भी सकते हो। देखो आच्छादक फलन कैसे होगा, यदि जैसे ये a है और यहां पर क्या है b है, ये a और यहां पर b, ये है और ये a टू b ऐसे, ये कोई फलन है, तब हम क्या बोलेंगे कि फलन f a टू b ये कब आच्छादक फलन होगा, यदि b का प्रत्येक अवयव का, b का कोई भी अवयव उठाओ, उसका पूर्व प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए, कोई भी अवयव ऐसा, मतलब कहने का मतलब इस b में एक भी अवयव ऐसा नहीं छूटना चाहिए कि वो क्या हो भाई कि उसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, हम उसको छोड़ दें, नहीं, ऐसा एक भी अवयव b में छूटना नहीं चाहिए। मतलब आपको पता है कि a में कोई अवयव छूट जाता है तब तो वो क्या नहीं होता, फलन ही नहीं होता। अब ये बोल रहा है कि a का तो वैसे ही नहीं छूटना है, वरना तो फलन ही नहीं होगा, साथ ही साथ b का भी एक भी अवयव शेष नहीं रहना चाहिए, यदि एक भी शेष रह गया तो वह आच्छादक फलन नहीं। अब देखो आगे, जैसे अब इसको मैं शब्दों में बांधने का प्रयास करूं, तो हम इसको कैसे बोलेंगे कि माना कोई फलन a टू b, यदि b के प्रत्येक अवयव का a में पूर्व प्रतिबिंब हो, तब f को क्या कहते हैं, आच्छादक कहते हैं। इस प्रकार f a टू b आच्छादक होगा यदि और केवल यदि, कब होगा, यदि b बिलोंग्स टू b, प्रत्येक फॉर एवरी b बिलोंग्स टू b, मतलब b के प्रत्येक अवयव के लिए f a बराबर b क्या होना चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि f का जो परिसर होगा, f का परिसर वो किसके बराबर होगा, b, मतलब परिसर में b के सारे क्या आएंगे, अवयव आएंगे। भाई परिसर क्या होता है, प्रांत के जिस अवयव से जो जो अवयव होते हैं, प्रांत के अवयव जो b के, वो अवयव जो प्रांत के अवयवों से क्या है, कनेक्ट हैं, वही किसके अंतर्गत आते हैं, परिसर में आते हैं। ये अलग है ना, किस में आते हैं, परिसर में आते हैं। तो मतलब ये जो b में जितने भी अवयव आएंगे वो सारे के सारे f के किस में आ जाएंगे, परिसर में आ जाएंगे, मतलब b का कोई अवयव छूटेगा ही नहीं। तो ये चीज भी होती है, f का परिसर है वो b के बराबर होता है। अब जैसे मान लो मैं आपको बताऊं एक एक क्या जो आच्छादक फलन, तो आच्छादक फलन इस प्रकार होगा, जैसे a बराबर है, यही उदाहरण ले लो पहले वाला, माइनस एक दो और माइनस दो,
और इस तरफ है एक और चार, तो एक माइनस एक इससे कनेक्टेड, दो और माइनस दो इससे कनेक्टेड। आगे बात समझ में, तब हम इसे क्या बोल सकते हैं कि ये फलन क्या है, आच्छादक फलन है। देखो बी का कोई भी एलिमेंट पीछे नहीं छूट रहा और इस तरफ ए का छूटेगा नहीं, क्योंकि ए का छूट गया तो क्या हो जाएगा, ए का छूटते ही आपके फलन ही नहीं होगा। तो इन दोनों को एक बार पेज पर पढ़ लो, एक मिनट। आच्छादक का एक एग्जाम्पल दूं क्या, तो आच्छादक का एग्जाम्पल ये ले लो, एफ रियल नंबर से रियल नंबर में होना चाहिए और फलन एफ किस प्रकार से परिभाषित होना चाहिए, एफ एक्स बराबर एक्स। अब देखो इस तरफ रियल नंबर माइनस तीन माइनस दो एक, ये ऊपर से आ रहे हैं डॉट 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 डॉट, बड़ी दूर से आ रहे हैं, माइनस एक जीरो, और इस तरफ एक दो तीन, ठीक है। और इस तरफ भी सेम यही हालत है, माइनस तीन माइनस दो माइनस एक जीरो एक दो तीन डॉट 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 डॉट, मतलब इसका प्रत्येक अवयव इसके प्रत्येक अवयव से क्या है, कनेक्टेड है। तो ना तो बी का छूट रहा है ना ए का छूट रहा है, ए का नहीं छूट रहा आते फलन है और बी का नहीं छूट रहा आते क्या है, आच्छादक फलन है। आगे बात समझ में, इसको एक बार नोट्स में पढ़ लो, ठीक है, नोट्स से और क्लियर हो जाएगा आपका, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो ये हम किसको समझ रहे हैं, अभी हमने पढ़ा था ये बहु एकेकी वाला, तो बहु एकेकी का ग्राफ पढ़ लो एक बार इसमें। यदि फलन y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दे रखा हो और कम से कम एक ऐसी क्षैतिज रेखा संभव हो जो दिए वक्र को एक से अधिक बिंदुओं पर काटे, तो फलन एफ एक्स क्या कहलाता है, बहु एकेकी फलन कहलाता है। तो देखो ये क्षैतिज रेखा ये है, ये इस वक्र को एक से अधिक बिंदुओं पर काट रही है, तो अब आप देखिए y के एक निश्चित मान के लिए x के कितने मान हैं, दो, मतलब x के दो मानों एक और माइनस एक के लिए y का क्या मान है, एक ही मान है, तो ये बहु एकेकी है। और यहाँ पर देखो ये y के एक निश्चित मान के लिए x के क्या आ रहे हैं, कई मान आ रहे हैं, अतः x के कई मानों के लिए y का क्या है, एक समान मान है, अतः संगत फलन क्या होगा, बहु एकेकी होगा। अब ये उदाहरण एफ आर से आर में एफ एक्स बराबर सी, अब मतलब x कुछ भी रखो y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, c, x की कुछ भी वैल्यू ले लो एक दो तीन चार, तो ये बहु एकेकी फलन हो गया। आच्छादक फलन, आच्छादक फलन क्या होता है, माना f a टू b, यदि b के प्रत्येक अवयव का a में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, मतलब b का कोई भी जो पार्ट है ना, कोई भी अवयव पीछे नहीं छूटना चाहिए, कनेक्ट रहने चाहिए सारे के सारे, तो पूर्व प्रतिबिंब हो, तब f को क्या कहते हैं, आच्छादक कहते हैं। इस प्रकार f a टू b आच्छादक होगा यदि, यदि और केवल यदि प्रत्येक b बिलोंग्स टू b, b के प्रत्येक अवयव के लिए, मतलब b बिलोंग्स टू b, इस प्रकार हो, इस प्रकार हो कि f a बराबर b, मतलब अब ये a वाले छोटे वाले a अवयव कहाँ से चुने जाएंगे, a से, मतलब इनके प्रत्येक अवयव b के प्रत्येक अवयव से क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, b का कोई भी अवयव शेष नहीं रहना चाहिए, ये इस थ्योरी का क्या है, मीनिंग है। समझ में आ गई बात। अब देखो जो जो b के अवयव कनेक्ट होते हैं a से, वो किसके अंतर्गत आते हैं, परिसर में आते हैं। भाई जैसे हम एक उदाहरण दूं, जैसे एक माइनस एक और इस तरफ है एक और दो और तीन, अब मैं पूछूं से प्रांत में कितने अवयव हैं, तो आप बोलोगे से प्रांत में तो अवयव हैं एक दो और तीन, और मैं बोलूं परिसर में, परिसर में कितने अवयव हैं, तब आप बोलोगे एक। परिसर में एक ही अवयव क्यों है, क्योंकि ये एक ही कनेक्ट है, बाकी तो ऐसे ही निठल्ले बैठे। अब ये कह रहा है कि यदि आच्छादक होगा तो इन सभी के सभी का क्या होगा, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा, मतलब सभी के सभी पीछे कनेक्ट होंगे, तो बी के जितने भी अवयव होंगे वो किस में आ जाएंगे, परिसर में आ जाएंगे। आगे बात समझ में, ये चीज है, इसीलिए इसने लिखा है कि f का जो परिसर होगा वो किसके बराबर होगा, b के, मतलब f ये जो फलन होगा इसका परिसर किसके बराबर होगा, b के बराबर, मतलब b के सभी अवयव किस में आ जाएंगे, परिसर में, अर्थात सारे के सारे अवयव क्या होंगे, कनेक्ट। और उसके बाद में ये उदाहरण है a बराबर माइनस एक एक दो माइनस दो, तो b के अवयव आ जाएंगे एक और चार, f a टू b, एक फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित है, तब f क्या होगा, आच्छादक होगा, क्योंकि ये। आगे बात समझ में। अब देखो ये इसका उदाहरण था, मैंने बताया ना एफ एक्स बराबर एक्स और एफ आर टू आर एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब के लिए, ये दो उदाहरण है आच्छादक के लिए मैंने लिखे हैं। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है अपना अंतःक्षेपी फलन। अंतःक्षेपी फलन किसे कहते हैं, कि माना कोई फलन है जैसे ए से बी में कोई फलन है, तो मतलब बी का कम से कम अवयव का, कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जिसका ए में पूर्व प्रतिबिंब क्या नहीं हो, विद्यमान नहीं हो, तब एफ को कहते हैं अंतःक्षेपी फलन। देखो कैसे अंतःक्षेपी फलन ऐसे होगा, अंतःक्षेपी फलन
इसका एकदम देसी भाषा में मैं आपको समझाऊं तो ये इस प्रकार से है, जैसे ये ए है और ये बी है, इस तरफ एक दो तीन चार अवयव है, एफ एक्स बराबर एक्स, ऐसा कोई अपना फंक्शन था, ठीक है। अब ये फलन है एक दो तीन चार और पांच। अब ये कह रहा है, ये देखो दो दो से, तीन तीन से और चार चार से कनेक्ट हो गया। तब ये कहता है कि मतलब कम से कम एक अवयव बी में ऐसा जरूर होना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब क्या नहीं हो, विद्यमान नहीं हो, मतलब पीछे इसका कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब कुल मिला के बात कहने की ये है कि ए में एक तो अवयव कम से कम मिनिमम, ज्यादा रहे तो बहुत अच्छी बात है, दो रह जाओ पीछे, तीन रह जाओ, लेकिन एक एलिमेंट तो बी में अर्थात से प्रांत में ऐसा बैठा होना चाहिए जो क्या हो, निठल्ला हो, समझ गए, जिसका कोई यूज ना हो, मतलब ये किसी से पीछे क्या नहीं होना चाहिए, कनेक्ट नहीं होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए बी में ऐसा, और उससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं अपने, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब कम से कम मिनिमम एक अवयव तो ऐसा हो जिसका ए में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं हो, तब हम उस फलन को क्या बोलेंगे, अंतःक्षेपी फलन। तब आपके दिमाग में आए कि ऐसा फलन कौन सा होगा, तो देखो ऐसा फलन मैं बताता हूं, जैसे एफ लो ऑफ आर से आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन लो इस प्रकार से एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो देखो आर से आर का मतलब माइनस तीन, ये अनंत से आ रहा है माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, एक, दो, तीन और फिर अनंत तक, और इस तरफ है, इस तरफ भी आर है, आर से आर में आ रहा है, तो ये माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, एक, दो, तीन, अब ये से, तो ये ए है और ये बी है। अब देखो इसमें फलन किस प्रकार से परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से परिभाषित है। तब आप ए की वैल्यू माइनस दो रखो और चाहे दो रखो, तो आपकी जो रेंज जो आएगा आंसर कितना आएगा, चार, चार से कनेक्ट होंगे, एक रखो चाहे माइनस एक रखो आंसर कितना आएगा, एक आएगा, जीरो रखोगे तो जीरो आएगा, मतलब आप यहां से जैसे माइनस तीन और तीन लोगे तो यहां पर ये नौ से कनेक्ट हो जाएंगे, वैसे ही माइनस चार और चार लोगे तो यहां पर सोलह से कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ये माइनस वाले तो सारे पीछे छूट गए ना, इसने तो बोला था कम से कम एक अवयव पीछे शेष जरूर रहना चाहिए निठल्ला, यहाँ तो हमारे पास ढेरों हैं, तो ढेरों हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अतः यह फलन कैसा है, अंतःक्षेपी। और देखो आप ऐसा भी ले सकते हो कि फलन आर से आर, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में लो ए और ये क्या है बी है, तो ये यहाँ पर माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, एक, दो, तीन ऐसे, और इस तरफ भी माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, एक, दो, तीन ऐसे। तो एफ एक्स बराबर मापांक ऑफ एक्स, सॉरी, इस प्रकार से। अब देखो इसके कोई भी वैल्यू उठाओ, जैसे माइनस तीन उठाओ चाहे तीन उठाओ, वो जाकर किससे कनेक्ट होंगे, तीन से, क्यों, क्योंकि इसके मापांक लगा हुआ है, इसके अंदर चाहे प्लस रखो तीन चाहे माइनस तीन रखो, बाहर रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो ये शेष छूट रहे हैं सारे, तो हमें तो मिनिमम एक चाहिए था, यहाँ पर एक से ज्यादा छूट रहे हैं, तो अच्छी बात है, ये क्या है, अंतःक्षेपी फलन है। और देखिए और आता है, जैसे कि आपको बोले कि ये तो हो गया अंतःक्षेपी फलन, अब अंतःक्षेपी फलन के अलावा और कौन कौन से फलन होते हैं, एक होता है एकेकी अंतःक्षेपी फलन, इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे नोट्स में, पहले ही अंतःक्षेपी पढ़ लिया, अब एक अंतःक्षेपी फलन, एक एक अंतःक्षेपी फलन पढ़ लेते हैं, फिर दोनों को साथ में नोट्स में पढ़ेंगे। एक एक अंतःक्षेपी फलन कौन सा होगा, कि एक ऐसा फलन जो एफ है, मान लो कोई ए से बी में एक एक अंतःक्षेपी फलन होगा यदि वो एफ एक एक भी हो और आच्छादक न हो, आच्छादक न होने का मतलब क्या हो, अंतःक्षेपी हो, भाई नाम से स्पष्ट है एक एक का मतलब एक एक से कनेक्ट होना चाहिए, और आच्छादक का मतलब, जो अंतःक्षेपी का मतलब क्या है, अंतःक्षेपी का मतलब बी में कम से कम मिनिमम एक एलिमेंट निठल्ला बैठा होना चाहिए, ठीक है। तो देखो आच्छादक में क्या होता है, आच्छादक में क्या होता है, आच्छादक में बी का एक भी अवयव निठल्ला नहीं बैठा होता है, सारे के सारे अवयव क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तब वो आच्छादक होता है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो एक एक तो हो लेकिन आच्छादक नहीं हो, आच्छादक नहीं होने का मतलब उसमें कम से कम एक निठल्ला बैठा हो, तो वही बात है, तो एक एक अंत, समझ में आ गई ना बात, वही है, अंतःक्षेपी नहीं होगा इसका मतलब आच्छादक है, और आच्छादक नहीं होगा इसका मतलब वो क्या है, अंतःक्षेपी है, समझ में आ गई बात। तो वो फलन एक एक ही हो तथा अंतःक्षेपी हो तब उसको बोलेंगे एक एक ही अंतःक्षेपी, वरना ऐसे बोल दो एक एक ही हो लेकिन आच्छादक नहीं हो, तो ऐसा फलन कौन सा होगा,
तो ऐसा फलन देखो मैं बताऊं आपको। अब देखो एक चीज और है, जैसे इसमें एक एक अंतःक्षेपी में पहले उदाहरण दे दूं, उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगी वो चीज कि जैसे कोई फलन लो r पॉजिटिव से r में, r पॉजिटिव मतलब यहां पर r की सारी क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, ऐसे ऐसे करते इन्फिनिटी तक, और इस तरफ क्या है r मतलब यहां माइनस से लेके पूरा कबड़ा है प्लस तक का सारा टोटल, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है आगे बात समझ में। और एफ एक्स बराबर है मापांक ऑफ, एफ एक्स बराबर मापांक ऑफ एक्स, तब अब इसमें देखो एक्स की वैल्यू हमेशा हम यहां से पॉजिटिव उठाएंगे और यहां पर रखेंगे, तो ये एक एक से, दो दो से, तीन तीन से, ऐसे पूरा कनेक्ट होता जाएगा, लेकिन यहां पर शेष कौन सी वैल्यू रह जाएगी भाई, देखो इसमें जो कोई भी एक भी फलन क्या होगा छूटेगा नहीं, एक भी छूटेगा नहीं, जीरो है देखो मिनिमम यहां क्या है जीरो है, एक है, दो है, तीन है, कुछ भी छूटेगा नहीं, इसका मतलब यहां तो एक भी छूट गया इसका मतलब तो फलन नहीं है। और देखो ये एक एक से कनेक्ट है, कोई भी डबल बार अटैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये एक एक ही है, और अंतरक्षेपी के लिए क्या होना चाहिए मिनिमम एक अवयव शेष रहना चाहिए, तो यहां पर देखो ये नेगेटिव वाले सारे ही शेष है, इसका मतलब ये एक एक ही भी है और अंतरक्षेपी भी है, तब हम इसको बोलते हैं एक एक ही अंतरक्षेपी। आगे बात समझ में, नोट्स में पढ़ लो। देखो अंतःक्षेपी फलन, माना एफ ए टू बी यदि बी के कम से कम एक अवयव का ए में पूर्व प्रतिबिंब न हो, अर्थात बी का एक अवयव क्या हो मिनिमम निठल्ला हो, तब एफ को क्या बोलते हैं अंतःक्षेपी फलन कहते हैं, ए बराबर ये, बी बराबर ये, और एफ ए टू बी ये नया एग्जांपल लिया, और एफ एक्स बराबर है एक्स माइनस फोर। अब यहां देख लो ये पांच यहां पर क्या बैठा है निठल्ला बैठा है, तब ये क्या हो गया अंतःक्षेपी हो गया। और भी उदाहरण है, ये वाले उदाहरण है आप इनके डायग्राम बना बना कर चेक कर सकते हो, ये मैंने बताए भी थे, अभी वीडियो को रिवाइंड करके वापस भी देख सकते हो। एक एक अंतरक्षेपी का मतलब एक एक ही भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए अंतरक्षेपी भी होना चाहिए, मतलब फलन एफ ए से बी में एक एक अंतरक्षेपी फलन होगा यदि यदि क्या हो एफ एक एक ही भी हो और लेकिन अच्छा तक न हो, अच्छा तक न होने का मतलब क्या होता है अंतरक्षेपी हो, अंतरक्षेपी, तो ये अपने क्या होगा एफ आर पॉजिटिव से आर में एफ एक्स बराबर मापांक ऑफ एक्स, और इसमें से प्रांत और परिसर बराबर नहीं होते, क्यों नहीं होते से प्रांत और परिसर बराबर कब होते हैं जब आच्छादक हो, ठीक है आच्छादक का मतलब होता है जैसे ये अपना ए है और यहां पर है बी एक दो तीन और बी भी एक दो तीन, एक एक से कनेक्ट है, तब देखो से प्रांत में कितने अवयव है एक दो तीन, और परिसर में कौन से अवयव आते हैं परिसर में वो अवयव आते हैं जो क्या है कनेक्ट है, वो अवयव जो निठल्ला बेटा होगा वो परिसर में नहीं आएगा, से प्रांत में सारे आ जाएंगे चाहे निठल्ला बेटा हो चाहे वो मतलब पीछे रिलेटेड हो, तो लेकिन परिसर में कौन से आते हैं जो कनेक्ट हो, अब देखो से प्रांत में भी एक दो तीन है और परिसर में भी कितने हैं एक दो तीन है, तो ये जब चीज हो जाती है तब हम उसको क्या बोलते हैं से प्रांत और परिसर बराबर है, और ऐसा किसमें होता है आच्छादक में, क्योंकि आच्छादक में कोई भी निठल्ला नहीं रहता है। अब परिसर में क्या है देख लो ये पीछे उदाहरण दिया हुआ ये रहा, अब इसके देखो से प्रांत में तो कितने अवयव थे माइनस दो माइनस एक एक तीन और पांच, और अंतरक्षेपी जो परिसर है परिसर में कितने परिसर में माइनस दो माइनस एक एक तीन इतने ही है पांच है ही नहीं, ठीक है तो इसमें क्या हुआ अब ये अंतरक्षेपी था अंतरक्षेपी में ये से प्रांत और परिसर क्या नहीं है बराबर नहीं है, आगे बात समझ में, तो ये चीज है। अब देखो एक ही क्या साधक, तो इसके बारे में मैं पहले पेज पर समझा दूं आपको, एक मिनट इसको मैं कर देता हूं रफ। अब आगे देखिए, आगे है एक एक की आच्छादक फलन, कौन सा फलन एक एक की आच्छादक फलन, एक एक की आच्छादक फलन नाम से भी स्पष्ट है कि जो फलन एक एक की भी हो और साथ ही साथ क्या हो आच्छादक भी हो उस फलन को कहते हैं एक एक की आच्छादक फलन, ठीक है तो अब हम इसको कैसे मान सकते हैं कि एक फलन एफ एक एक की आच्छादक फलन कहलाएगा यदि वो क्या हो एक तो एक एक ही हो, एक एक ही होने का मतलब क्या है एक एक ही होने का मतलब है परिभाषा इसकी कि एफ एक्स बराबर एफ वाई देन एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि यदि एक्स बराबर वाई नहीं हो तब एफ एक्स बराबर भी एफ वाई नहीं होगा, ठीक है विद्यार्थियों। और आच्छादक के लिए क्या है आच्छादक आच्छादक का तो एक ही काम है कि भाई बी में जो बी होता है मतलब से प्रांत होता है उसका एक भी अवयव ऐसा नहीं हो कि वो निठल्ला बैठा है पीछे किसी से कनेक्ट नहीं है अर्थात तो उसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, तो इसको परिभाषा के रूप में लिखें तो ऐसा बोल सकते हैं
कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू b के लिए देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, मतलब y के प्रत्येक अवयव के लिए x में क्या होना चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, आच्छादक। और अगर यदि ये एकेकी भी है और आच्छादक भी है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एकेकी आच्छादक। तो उदाहरण वगैरह हम नोट्स में देख लेते हैं। ये देखो एकेकी आच्छादक फलन, एक फलन f है, वो एक फलन f एकेकी तथा आच्छादक फलन हो तब फलन को कहते हैं एकेकी आच्छादक फलन। दूसरे शब्दों में f एक एकेकी आच्छादक फलन होगा यदि यह एकेकी हो, अर्थात fx बराबर fy और आगे होगा x बराबर y फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू r, और वह आच्छादक होगा अर्थात फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, मतलब b के प्रत्येक अवयव के लिए x में क्या होना चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। अब इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा है यहाँ पर। देखो a में अवयव है 1, 2, 3, 4 और b में है 2, 3, 4 और 5। अब देखो ये फलन f है वो इस a से इस b में, ये a से b में किस प्रकार से परिभाषित है कि fx बराबर x प्लस 1। तो देखो 1 उठाया तो ये किससे कनेक्ट होगा, 2 से, क्योंकि x प्लस 1 है। यहाँ पर वैल्यू रखो 2 तो किससे कनेक्ट होगा, 3 से। 3 रखते ही किससे कनेक्ट होगा, 4 से, और 4 रखते ही किससे कनेक्ट होगा, 5 से। आगे बात समझ, f1 f2 f3 और f4 ये यहाँ पर निकला। ये क्या था अपना उदाहरण। अब देखिए, अब अगला आता है इकाई फलन। इकाई फलन क्या है, इकाई फलन, तो इकाई फलन को किस प्रकार से परिभाषित किया जाएगा। इकाई फलन ऐसे है कि जैसे इसमें क्या होंगे, आपके प्रांत और जो परिसर दे रखा है उसमें क्या होंगे, अवयव होंगे वो एकदम बराबर से होंगे। जैसे इसमें x अवयव हैं तो उसमें भी क्या होंगे, अवयव x होंगे, मतलब सेम सेम अवयव, और वो सेम सेम क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। कैसे, जैसे माना a कोई अरिक्त समुच्चय है, तब हम किसी फलन f को अपन कहेंगे इकाई फलन कहेंगे। यदि वो फलन कैसे हो, देखो एक 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 ही अच्छा तक तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसके जो अवयव हों वो कैसे हों, सेम हों। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देता हूँ उसके बाद समझा दूंगा। जैसे कोई फलन f है वो a से a में है, a से a में मतलब a में, और ये a तो है प्रांत वाला और ये a है सह प्रांत वाला, दोनों में अवयव क्या है, एकदम d2 कॉपी है। और ये f किस प्रकार से परिभाषित है, ये है fx बराबर x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, प्रत्येक अवयव को a से उठाते हैं और वापस वो किसी में चला जाता है, a में। देखो जैसे ये है अपना प्रांत और ये है सह प्रांत, ये प्रांत है a और ये सह प्रांत है वो भी a, a क्यों है, क्योंकि सेम एलिमेंट है दोनों, इसमें एलिमेंट आ गए जैसे 1, 2, 3, 4, इसमें इसमें भी 1, 2, 3 और 4। अब ये इस पर फलन किस प्रकार से परिभाषित है कि fx बराबर x, अब देखो x उठाया 1 रखा 1 से कनेक्ट, 2 उठाया 2 से कनेक्ट, 3 से, 4 से। अब देखो इकाई फलन में और एक एक आच्छादक फलन में यही डिफरेंस है कि एक एक आच्छादक फलन में क्या होता है कि दोनों के अवयव भिन्न भिन्न हो सकते हैं लेकिन वो एक एक ही होने चाहिए और आच्छादक भी होने चाहिए। अब इसमें क्या, इकाई फलन में एक और शर्त आ गई कि एक एक ही और आच्छादक तो होने ही चाहिए, साथ ही साथ उनके एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, 3, 3 से 4, 4 से, ऐसे। तो उस फलन को हम क्या कहते हैं, इकाई फलन। तो यही चीज यहाँ पर देखो नोट्स में लिखी हुई है, मैंने लिखी है नोट्स में, ये पढ़ो यहाँ पे, ये रहा पूरा इकाई फलन आपका। माना ए एक अरिक्त समुच्चय है तब फलन ये ए से ए में क्या कहलाएगा, एक एक फलन के, ये इकाई फलन कहलाएगा, कब, जब fx बराबर x हो, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, फलन क्या होगा, एक एक ही आच्छादक होगा, एक एक ही आच्छादक तो होगा ही, साथ ही साथ एलिमेंट भी इनके क्या हैं, सेम हैं, और जिसका प्रांत तथा परास क्या है, a है, ठीक है, ये लिखा हुआ। अब देखो आगे आता है अपना समान फलन। समान फलन मैंने सोचा यहीं बता दूं कि देखो दो फलन है f व g समान फलन कहलाते हैं। समान फलन कब कहलाते हैं, कि यदि दो फलन f व g समान फलन कहलाते हैं यदि उनका समान प्रांत हो, वे परिसर भी क्या हो, समान हो, तो उन दोनों फलनों को हम क्या कहेंगे, समान फलन कहेंगे। जैसे f a से b में एक फलन है और g a से b में एक फलन है, तो फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, मतलब इसमें से इन a में से कोई भी अवयव हम उठाएं
जैसे ए बिलोंग्स टू ए, ए कोई अवयव उठा लिया किस में से, इस ए में से, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, बी बिलोंग्स टू बी, बी विद्यमान होना चाहिए, ठीक है। सच देट और किस प्रकार से विद्यमान होना चाहिए, भाई विद्यमान नहीं होगा तो फलन ही नहीं होगा, लेकिन विद्यमान किस प्रकार से होना चाहिए कि एफ ए बराबर क्या हो, जी ए हो, मतलब ए का प्रतिबिंब यदि फलन एफ से निकालें, चाहे एफ इस ए का प्रतिबिंब चाहे जी से निकालें, जी फलन से निकालें, दोनों का जो प्रतिबिंब आए वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तब हम उस फलन को क्या कहेंगे, समान फलन कहेंगे। तो ये चीज़ थी, यहाँ पर आप इसको दो बार पढ़ सकते हो, दो बार पढ़ो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए आगे, वीडियो रोक कर पढ़ लेना आप। अगला है प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन मतलब इनवर्स फंक्शन, प्रतिलोम फलन किसे कहते हैं, ये सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है। और आपको यदि बाई लैंग्वेजल देखना हो, किसी को बोले कि पूरा का पूरा इंग्लिश में ही देखना है, तो आप गूगल सर्च भी कर सकते हो, जैसे इनवर्स फलन और वो अपना समान फलन था उसको लिख दो इक्वल फंक्शन, ठीक है, मतलब और ये प्रतिलोम फलन है तो इसको इनवर्स फंक्शन लिख सकते हो, तो उससे भी आप बाई लैंग्वेजल देख सकते हो। अब देखो, यदि कोई फलन ए से बी में एक एक की अचादक फलन है, ठीक है, एक एक की अचादक होगा, कब होगा, यदि एक तो एक एक से कनेक्ट हो और दूसरा बी के मतलब जो सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए जो प्रांत है उसमें क्या हो, अवयव विद्यमान हो, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, तो हम उस फलन के लिए क्या देखेंगे, प्रतिलोम फलन देखेंगे। तो प्रतिलोम फलन की तो पहली शर्त तो ये हो गई कि वो एक तो एक एक की भी होना चाहिए और अचादक भी होना चाहिए, ठीक है। तो देखो प्रतिलोम फलन ऐसे होता है, जैसे ये ए है, ये बी है, ठीक है, अब ए में है एक दो तीन चार और इस तरफ है पाँच छ सात और आठ, ये कैसे भी करके मान लो ऐसे कनेक्ट है, ये कनेक्ट कैसे हो जाएगा, एफ एक्स बराबर फलन ले लो एक्स प्लस फोर, ये कनेक्ट हो गया, देखो दो से छ, तीन से सात, चार से आठ। अब प्रतिलोम फलन होने के लिए शर्त है कि वो एक एक की भी होना चाहिए और अचादक होना चाहिए। ऐसी शर्त क्यों है, मान लो वो एक एक की नहीं हुआ और वो ऐसे कनेक्ट है, कैसे कनेक्ट है, यहां पर मैं एक अवयव और ले लूं तीन, ये दो है, ये मान लो इसको हटाओ आप, ये एक सेकेंड, ये तीन हटा दिया, यहां पर मैंने अवयव लिख दिया मान लो कि जीरो, और वो जीरो भी कैसे ना कैसे करके मान लो पांच से कनेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, प्रतिलोम फलन का मतलब होता है जैसे ये ए बी से कनेक्ट है, वैसे के वैसे हम बी को किससे कनेक्ट कर देते हैं, ए से, तो बी से ए को वापस लिखेंगे पांच छह सात और आठ, ठीक है। प्रतिलोम फलन का तो मतलब यह है कि जैसे एफ ए टेंस टू बी है तो इसका प्रतिलोम होगा एफ इनवर्स, और एफ इनवर्स होगा बी से ए में। अब इसको वापस बी से ए में देखो, एक दो तीन और चार, और इस तरफ देखो आपके यहां पर एक जीरो भी है। अब देखो ये कनेक्ट कैसे था, ये ऐसे कनेक्ट था, ठीक है, अब ये ऐसे कनेक्ट है। अब बताओ ये कहां तक सही है, क्या एक इंसान दो घरों में एक साथ जा सकता है, नहीं जा सकता, देखो वो मैंने याद रख करने का जो तरीका बताया वो यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो यहाँ पर ये वापस प्रतिलोम फलन तो दूर गया, जब इसको उल्टा करेंगे ना तो ये फलन ही नहीं होगा, समझ गए, क्योंकि इसमें जो दो अवयव हैं सह प्रांत के उनके लिए पूर्व प्रतिबिंब केवल कितना है, एक ही है, ठीक है, तो इसे ये चीज़ क्या हो गई, यहाँ पर फेल हो गई। अतः एक एक की भी होना चाहिए और अचादक क्यों होना चाहिए, अचादक नहीं हो तो मान लो जैसे इसको हटाओ, एक मिनट, इसको हटा दिया। अब अचादक होना क्यों जरूरी है, मान लो अचादक नहीं हुआ तो इसमें एक एलिमेंट शेष रहेगा, तो मान लो चार इसमें एक एलिमेंट शेष है, तो यहां तक ठीक है, आपने बना दिया वो फलन हो गया। लेकिन जब हम इसका प्रतिलोम फलन बनाएंगे एफ ये ऐसे बी और इस तरफ ए, तब इस तरफ पांच छह सात आठ, ये तो सारे कनेक्ट हो जाएंगे और चार रह जाएगा पीछे शेष, तो प्रांत में कुछ शेष रहना ही नहीं चाहिए। जब प्रतिलोम फलन करेंगे तो ये जो बी है जो यहाँ पर से प्रांत का काम कर रहा है प्रतिलोम फलन में, वो किसका काम करेगा, प्रांत का, और प्रांत में एक अवयव शेष रहते ही वो क्या होगा, फलन ही नहीं होगा, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये इस प्रकार से है, इसको पढ़ो आप यहाँ पर प्रतिलोम फलन। माना ए से बी में एफ एक एक की अचादक फलन है, ये तो पहली शर्त है प्रतिलोम होने के लिए। और पुनः मान लीजिए वाई बिलोंग्स टू बी, मतलब वाई कौन सा होता है, ये वाला, ये वाले अवयव जो बी में अवयव होते हैं ना उसको बोल रहे हैं वाई बिलोंग्स टू बी, मतलब से प्रांत का कोई अवयव, तब एफ अचादक है इसलिए देर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब ये अचादक है इसका मतलब वाई के मतलब बी के से प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए ए में पूर्व प्रतिबिंब क्या है, विद्यमान है, और एफ एक्स बराबर वाई, एफ एक्स बराबर क्या है, वाई है, तथा एफ क्या है, एक एक ही है, तब
एक्स क्या होगा, अद्वितीय होगा, मतलब अद्वितीय रूप से वो क्या होगा, कनेक्ट होगा। एक एक से कनेक्ट होगा तभी तो होगा ना, एक एक अचातक, एक एक अचातक में यही तो चीज है कि एक एक से कनेक्ट होता है, मतलब प्रत्येक अवयव होता है वो अद्वितीय रूप से, मतलब यूनिक मेथड से क्या होता है, कनेक्ट होता है। ठीक है, अतः प्रत्येक वाई बिलोंग्स टू बी के लिए देर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए इस प्रकार है कि एफ एक्स बराबर वाई अतः एफ इनवर्स बी टेंस टू ए। यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो शॉर्ट में ध्यान में रखना कि प्रतिलोम फलन के लिए एक एक ही और आच्छादक होना जरूरी है। इनको इंग्लिश में बोलते हैं वन वन और ऑन टू, और एक एक आच्छादक को एक साथ बोलते हैं बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव एक शब्द बोलते तो इसका मतलब है कि वो एक एक ही और आच्छादक है, मतलब वन वन और ऑन टू है। तो ऐसे ध्यान में रखना कि प्रतिलोम फलन के लिए पहली शर्त है कि वो एक एक ही और आच्छादक होना चाहिए, और दूसरा प्रतिलोम फलन का मतलब है कि एफ ए टेंस टू बी है तो इसका प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स होगा बी टेंस टू ए। बस ये चीजें। अब आगे है फलनों का बीजगणित। फलनों का बीजगणित मतलब कि भाई फलनों में बीजगणित होता है, अपने एलजेब्रा को बोलते हैं एलजेब्रा। एलजेब्रा में मतलब कि फलनों पर जो प्लस माइनस भाग गुणा जो आदि संख्याएं हैं वो किस प्रकार से काम करती हैं। तो ये नॉर्मल वैसे ही करती है जैसे अपने नॉर्मल जो अपन लेते हैं ना एक्स वाई, उन पर कैसे संख्याएं कार्य करती है वैसे ही इस पर करती है। जैसे एफ प्लस जी और ये एक्स हो तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एफ एक्स जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स हो तो एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये पढ़ लो बस, ये यहाँ तक नॉर्मल है। जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों लिखा है, क्योंकि बट्टे में कभी भी क्या नहीं रखते, जीरो नहीं रखते, क्योंकि वरना फिर ये कहाँ क्या हो जाएगी, इसकी वजह इन्फिनिटी हो जाएगी अर्थात ए परिभाषित हो जाएगा। तो इसको भी एक बार पढ़ लो, यहाँ पर नोट्स में लिखा हुआ है वैसे, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार पढ़ लो। देखो ये लिखा हुआ है कि माना एफ और जी दो फलन हैं और इनके प्रांत क्रमशः क्या है डी एफ और डी जी। इन दोनों फलनों के ये क्या है डी एफ और डी जी क्या है प्रांत हैं। तब इन फलनों के योग फलन, अंतर फलन, गुणन फलन तथा भाग फलन निम्न प्रकार से परिभाषित होंगे। इनको डायरेक्ट आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, इनको आप पढ़ लो। ठीक है विद्यार्थियों, और इसके साथ ही अपनी ये क्लास है वो आज की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इसकी ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उससे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आज से आज तक जितनी क्लास डाली गई थी उसका लिंक और साथ ही साथ उसके नोट्स भी उपलब्ध हैं। और इस चैनल पर मैथ्स का सेकेंड पेपर तो चल ही रहा है सेकेंड ग्रेड का, साथ ही साथ फर्स्ट पेपर जो जीके वाला है वो भी करवाया जा रहा है। इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में राजस्थान का इतिहास नाम से पूरा एक फोल्डर बनाया हुआ है और उसमें लगभग 33-34 वीडियो अपलोड है राजस्थान के इतिहास के, वो भी आप पढ़ सकते हैं। उनके नोट्स के लिए भी अलग से टेलीग्राम ग्रुप है, तो उन नोट्स को प्राप्त करने के लिए भी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दे रखा है। और बाकी यदि ये लिंक काम नहीं करे, यदि आपको आप इस लिंक को ज्वाइन करना चाहो और ये बार बार किसी किसी के आ रहा है ऐसे डाउनलोड फेल्ड वगैरह, ऐसे कनेक्शन फेल्ड ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, उनके ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो वो नीचे नंबर दिए गए हैं उन पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, हम आपको डायरेक्ट लिंक सेंड कर देंगे, उसके थ्रू आप ज्वाइन हो जाना। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।